अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे और सेवन होम्योपैथिक मेडिसिन की अहमियत और अफादियत पर। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बड़े मेहरबानी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो और नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सकें। तो मैं आपको होम्योपैथिक डॉक्टर अब्दुल वाहिद आपको अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। जिगर की सूजन या सोजश हेपेटाइटिस जो बसा अवकात काहली लापरवाही के सबब शदीद नवयत भी अख्तियार कर सकती है, फौरी इलाज व एहतियाती तदाबीर की मुतकाजी होती है। R7 सेहत और बका के जामिन जिगर की मुआवनत करते हुए हेपेटाइटिस ए ताजी के वायरस से जंग का आसान तरीन हरबा है। वायरस किसी जहर या केमिकल अदवियात के मुजर असरात के बायस, अल्कोहल के असरात, रवानी खून में खलल के सबब, कुव्वत मुदाफ़त में कमी, पेट में लगने वाली चोट या जिस्म में ही होने पैदा होने वाली तब्दीलियों के नतीजे में हेपेटाइटिस में गिरफ्तार जिगर के लिए R7 इनसे रहाई का परवाना साबित होती है। R7 सोजश जिगर के बायस लहक यरकान अबकाई के गदले गहरे या सुरख रंग का पेशाब, हल्के या मटैले रंग का पखाना, मुंह का कड़वा जायका, जुबान पर मैल की तय, जिस्म का दर्जा हरारत बढ़ जाने, मर्दों में छातियों का बढ़ जाना, पसलियों के नीचे जिगर के मुकाम पर दर्द, बाएं शाने के नीचे तिल्ली के करीब दर्द या सुइयां चुभती हुई महसूस हों, या भूख कम लगने जैसी इलामत को दूर करके जिस्म के सबसे बड़े अजू को अल्सर नौ कुव्वत फराहम करती है। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन का तरीका इस्तेमाल यह है कि 10 से 15 कतरे दिन में 3 से 4 बार थोड़े से पानी में इस्तेमाल करें और मुर्गन और बाजारी अशिया से परहेज लाजम है। फ्रेंड्स, ये थी आज की हमारी वीडियो R7 होम्योपैथिक ड्रॉप्स की अहमियत और अफादियत पर। तो नई वीडियो लेकर जरूर हाजिर होते हैं, उस वक्त तक के लिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।